अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य करना बेहद शुभ माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि अक्षय तृतीया सौभाग्य और सफलता लाती है, इसलिए इस दिन ज्यादा से ज्यादा सोना और चांदी खरीदने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना खरीदने से भविष्य में उससे कई गुना बढ़ोतरी होती है। हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का पावन पर्व का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया को दान पुण्य करने का सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन घी, चीनी, अनाज, फल, सब्जियां, कपड़े और धन का दान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए कर्मों का आशीर्वाद हमेशा कर्ता के पास रहता है। आखिर अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है, ये हम आपको बताते हैं। अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला बहुत ही पावन पर्व है। सभी हिंदू इसे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। हिंदू धर्म के साथ ही अक्षय तृतीया का दिन जैन धर्म के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। अखाती तीज के पीछे कई हिंदू मान्यताएं हैं। इसे कुछ भगवान विष्णु के नाम से जोड़ते हैं, तो कोई इसे भगवान कृष्ण की लीला से। सभी मान्यताएं आस्था से जुड़ी होने के साथ ही बहुत रोचक भी हैं। अक्षय तृतीया की पूजन विधि के बारे में हम आपको बताते हैं। इस दिन भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा का महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। विष्णु जी को चावल चढ़ाना विशेष लाभकारी माना जाता है। विष्णु तथा लक्ष्मी जी की आराधना कर उन्हें तुलसी के पत्तों के साथ भोजन अर्पित किया जाता है। सभी विधि विधान पूर्ण कर भगवान की धूप बत्ती से आरती की जाती है। कई जगह इस दिन मिट्टी से बने घड़े पानी भरकर उसमें कैरी यानी कच्चा आम, इमली तथा गुड़ को पानी में मिलाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। कहते हैं यह दिन सभी कार्य के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अक्षय तृतीया के दिन विवाह करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। जिस प्रकार इस दिन पर दिए गए दान का पुण्य कभी खत्म नहीं होता, उसी प्रकार इस दिन होने वाले विवाह में भी पति पत्नी के बीच प्रेम कभी खत्म नहीं होता। इस दिन विवाह वाले जन्मों जन्मों तक साथ निभाते हैं। विवाह के अलावा सभी मांगलिक कार्य जैसे उपनयन, संस्कार, घर आदि का उद्घाटन, नया व्यापार शुरू करना, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करना शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग सोने तथा गहने खरीदते भी हैं। इस दिन व्यापार आदि शुरू करने से मनुष्य को हमेशा तरक्की मिलती है, साथ ही उनके भाग्य में दिनों दिन शुभ फल की बढ़ोतरी भी होती है। NBC News के लिए रूपा पंडित, ब्यूरो रिपोर्ट।